मेष मेष राशि वालों के लिए साल के आखिरी 7 दिन अच्छे रहेंगे। करियर के लिए की गई कोशिशों पर पूरा ध्यान दें। आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नौकरी और बिजनेस में सही फैसले लेने से फायदा होगा। लक्ष्य प्राप्ति में सफल होने के कारण आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति और दबदबा बढ़ गया है। इन दिनों में कुछ खास कामकाज में देरी भी हो सकती है। आप अपने कामकाज का तरीका बदल सकते हैं। अविवाहित लोगों को वैवाहिक संबंध के प्रस्ताव मिलेंगे। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में फायदा होगा। विवादों में जीत भी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। प्रेम प्रस्ताव भी सफल हो जाएंगे। लव लाइफ, इस राशि के सिंगल लोगों को लव प्रपोजल मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। क्लियर, इन दिनों में फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। अचानक होने वाली लंबी यात्राओं से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नए काम की ओर आपका रुझान होगा। हेल्थ, आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आपको बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। कफ और पित्त संबंधी समस्या भी हो सकती है। वृष रुके हुए जरूरी काम पूरे होने से बड़ी सफलता मिलने के योग है। बिजनेस करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में ना पड़े। कार्य क्षेत्र में आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि कुछ मामलों को लेकर किसी से आपका विवाद भी हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दें और थोड़ी गंभीरता भी रखें। कुछ जरूरी कामों में रुकावटें आने की भी संभावना है। विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि से समस्या सुलझा लेंगे। नौकरी में बदलाव का मन बन सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में थोड़ी दौड़ धूप हो सकती है। लव लाइफ मजबूत हो सकती है। वृष राशि के अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बन सकती है। क्लियर, स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जमा पैसे को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। लेन देन के मामलों में विवाद की आशंका भी है। साझेदारी के बिजनेस में थोड़ा ध्यान भी रखें। हेल्थ, सेहत के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। पैरों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। बाहर जाए तो सेहत का पूरा ध्यान रखें। मिथुन, अपनी सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश करें। कोई बात कहने के पहले हर बात की पुष्टि भी कर लें। इस सप्ताह चंद्रमा किस्मत के घर से चलकर व्यय भाव में आ जाएगा। किस्मत का भी साथ मिलेगा। आपकी सेहत में सुधार हो सकता है। काम में मन लगाने की भी कोशिश करते रहें। मिथुन राशि वाले लोगों को फायदेमंद निवेश के मौके मिल सकते हैं। आपको कामकाज का पुरस्कार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मामूली खटपट होने के योग बन रहे हैं। खर्चा भी रहेगा। दौड़ भाग रहेगी और इसका असर आपकी सेहत पर भी होगा। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह मामूली उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। प्रेमियों के लिए समय ठीक ठाक है। क्लियर, स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। निर्माण कार्यों से जुड़े लोग सफल होंगे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय सामान्य रहेगा। बिजनेस और नौकरी में धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ, सेहत को लेकर संभल कर रहना होगा। ज्यादा दौड़ भाग से परेशानी बढ़ सकती है। मौसम के अनुसार खान पान रखें। कर्क महीने के आखिरी 7 दिन आपके लिए मिले जुले हो सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग कुछ जरूरी काम निपटा लेंगे। कामकाज बढ़ाने की योजना बनेगी। ऑफिस में सब ठीक ठाक रहेगा। मन के कुछ भाव आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। कंफ्यूजन बढ़ सकता है। धैर्य रखेंगे और शांति से काम लेंगे तो सफल हो जाएंगे। कुछ लोग आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं। सोच समझ कर आगे बढ़े। लोगों की बातों में ना आए।
भावनाओं को नियंत्रण में रखें। इस दौरान संतान और दोस्तों के साथ समय बीतेगा। पारिवारिक तनाव कुछ कम हो सकता है और आपको पिता से मदद मिलेगी। इस सप्ताह कोई बड़ा काम होने से आप खुश रहेंगे। किस्मत के संयोग से फायदा हो सकता है। रुका हुआ पैसा भी मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ जीवन साथी के संयोग से खुशियां मिलेंगी। प्रेम प्रसंग और अच्छे होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के रिश्ते आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। समय अनुकूल रहेगा। किसी नए काम के बारे में सोच विचार होगा। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कपड़ा व्यापार में निवेश से फायदा होगा। हेल्थ इन दिनों में सेहत के मामलों में सुखद और अच्छे नतीजे मिलेंगे। मामूली और मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए साल के आखिरी 7 दिन मिले जुले रहेंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा के प्रभाव से आपका सुख बढ़ेगा और जीवन साथी से संबंधों में मजबूती आएगी। अधिकारियों के साथ मुलाकात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गोपनीय कामों को लेकर कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको लीडरशिप भी मिलने के योग है। पार्टनर को या अन्य लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। स्थिति बिगड़ भी सकती है। इन दिनों में थोड़ी भागदौड़ और परेशानियां भी रहेंगी। खर्चा बढ़ सकता है। सहयोगियों के साथ किसी बात पर मामूली विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान भी रखें। लव लाइफ के लिए समय ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर के व्यवहार से आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। पढ़ाई में साथियों की मदद मिल सकती है। अधिकारियों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिलने के योग बन रहे हैं। धन संबंधी विवादित मामलों में बातचीत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामले में ये दिन ठीक ठाक रहेंगे। विकारों से छुटकारा मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। शुरुआती दिनों में दुश्मनों से परेशान होंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। इनकम बढ़ेगी, फायदा होगा। समाज, परिवार और दोस्तों से आपको तारीफ और कामकाज में मदद मिलेगी। बुजुर्गों की सेवा से फायदा होगा। साझेदारी और रोजमर्रा के काम भी समय से पूरे हो सकते हैं। इनसे आपको फायदा भी होगा। कई तरह से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। फालतू चीजों पर भी खर्चा बढ़ सकता है। नए दोस्त बनेंगे। सप्ताह के बीच में समय सामान्य से थोड़ा अच्छा रहेगा। जो काम काफी समय से अटके हुए हैं, उनमें गति आएगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में यात्रा हो सकती है। इन दिनों में आपको संभल कर भीड़ना होगा। किस्मत के भरोसे कोई काम ना करें। लव लाइफ अविवाहित लोगों के लिए समय शुभ है। विवाह प्रस्ताव तो मिलेंगे ही, उनके सकारात्मक परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इस सप्ताह सफल हो सकते हैं। ग्लैमर से जुड़े लोगों को ज्यादा मेहनत के बाद सफलता मिल सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह समय अनुकूल है। यदि आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा सामान्य रहेगा। हेल्थ, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन दिनों में सावधान रहना होगा। गुस्सा बिल्कुल ना करें। तुला, सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से फायदेमंद हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आप सजग रहेंगे और लगातार कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। विदेशों और दूर स्थानों से आपके कॉन्टैक्ट्स अपडेट हो जाएंगे। आपकी इमेज भी अच्छी होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपकी बनाई प्लानिंग सक्सेस हो सकती है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कोई बड़ा फायदे का सौदा भी हो सकता है। आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। इन दिनों में चंद्रमा आपकी योजनाएं पूरी कर सकता है। दुश्मनों पर जीत होगी। चंद्रमा के प्रभाव से आपको रोजमर्रा के कामों में फायदा हो सकता है।
लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। लव लाइफ विवाह संबंध होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से किसी महत्वपूर्ण मामलों पर बात हो सकती है, जिससे प्रेम संबंधों में और मजबूती आएगी। करियर मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। अन्य स्टूडेंट्स के लिए समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में फायदे का कोई बड़ा सौदा भी होने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार मिलने के योग है। अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। हेल्थ, इस सप्ताह आपकी सेहत पिछले कुछ दिनों की तुलना में अच्छी रहेगी। पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। वृश्चिक साल के आखिरी 7 दिनों में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। किसी की भी बात दिल पर ना ले। अपने टैलेंट के दम पर आप बिजनेस या नौकरी का कोई नया रास्ता भी निकाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सकारात्मक और आश्चर्यजनक घटनाएं हो सकती है। बीच के दिनों में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी बन सकती है। ध्यान रखें, कामकाज में आपकी गति धीमी होने की संभावना है। फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है। आलस्य के कारण आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धन संबंधित रुकावटें आने की संभावना है। आप कॉन्फिडेंस और दिमाग से काम लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में आप कामकाज को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं। आपको माता और माता के समान महिलाओं की पूरी मदद मिल सकती है। लव लाइफ में सब आपके हिसाब से ही होगा। अविवाहित प्रेमियों के लिए समय ठीक हो सकता है। करियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण एग्जाम और इंटरव्यू की सूचना इन दिनों में आपको मिल सकती है। इसके लिए खुद को तैयार रखें। धन संबंधी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन कुछ कम सोच समझ कर निवेश करना होगा। नए क्षेत्रों में निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ, आपकी सेहत में कुछ अनचाहे बदलाव हो सकते हैं। मौसमी बीमारियों से परेशानी बढ़ सकती है। धनु, कुछ खास कामों में किस्मत का साथ मिल सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मेहनत से खुश होगा और करियर में आगे के रास्ते भी खुल सकते हैं। आप एक साथ कई तरह के लोगों के संपर्क में रहेंगे। पहचान और सम्मान की इच्छा आपके मन में रहेगी। मनपसंद नौकरी या पद मिलने की भी संभावना बन रही है। पिछले नुकसान की भरपाई इस सप्ताह हो सकती है। इन दिनों में आपको सोच समझ कर निवेश करना होगा। सेहत के मामले में समय ठीक ठाक है। संतान संबंधी चिंता से परेशानी हो सकती है। पारिवारिक मामले सुलझ सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। सबका सम्मान करें। सप्ताह के आखिरी दिनों तक नई नौकरी की कोई बात या मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। लव लाइफ, जीवन साथी से नाराजगी हो सकती है। प्रेम संबंधों में निराशा होगी। अपने जीवन साथी से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। लव लाइफ के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। करियर कॉमर्स में करियर बनाने वालों को सफलता मिल सकती है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। साझेदारी के बिजनेस में फायदा होने के योग है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। प्रमोशन की भी संभावना है। हेल्थ, नींद की कमी रहेगी, जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। पुरानी बीमारियों से आप परेशान रहेंगे। मकर, आपके लिए साल के आखिरी 7 दिन ठीक नहीं कहे जा सकते। पैसा रुक सकता है। कुछ मामलों में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। फालतू यात्राओं के योग बन रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। साझेदारी के बिजनेस के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। कानूनी विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। नौकरी पेशा लोग पुरानी गलतियां ना दोहराएं। अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने में हिचकिचाहट हो सकती है। राजनैतिक कामों में पैसा और समय खर्च हो सकता है। नौकरी, बिजनेस, करियर और सेहत के मामलों में जोखिम लेने से बचें। किसी भी तरह की लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नए कामकाज की योजनाएं बनाएंगे। उन पर काम शुरू होने में समय लगेगा। रुकावटें आ सकती हैं। कर्जे से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे।
किसी भी तरह के तनाव में बड़ा फैसला ना ले, खुद को संभाले। थोड़ी सी चूक आपको आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है। लव लाइफ के लिए समय मिला जुला रहेगा, प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है, जीवन साथी से सहयोग कुछ कम मिलेगा, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर से बचें। करियर मेडिकल और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह ठीक रहेगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में संभल कर रहे, यात्राओं का योग बन रहा है। हेल्थ, पेट और शरीर के निचले हिस्सों में रोग हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। कुंभ आपके मन में उथल पुथल रहेगी, मन में आते विचारों को नियंत्रण में रखें, जिसमें सबकी सहमति हो उसी से अपने आप को भी सहमत कराने की कोशिश करें। इन दिनों में कामकाज और इनकम को लेकर आपका तनाव बढ़ सकता है, नौकरी पेशा लोगों को बड़े और जिम्मेदारी वाले काम मिल सकते हैं, माता पिता संतान रिश्तेदार हर तरफ से पारिवारिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी, घर या परिचय क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इन दिनों में गुस्से पर कंट्रोल करें, आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, कामकाज ज्यादा रहेगा, किसी नए बिजनेस को लेकर भी विचार बन सकता है, मकान खरीदने या बेचने का मन भी बनेगा, आपको छोटा मोटा कर्जा लेना पड़ सकता है, दोस्तों और भाइयों के सहयोग से सफलता मिलेगी, लेन देन सोच समझ कर करें, कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलने के योग है, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लव लाइफ जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बन रहा है, यात्राएं सफल होगी, लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। करियर टेक्निकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक जरूर हो सकता है, नए काम की ओर रुझान बढ़ेगा, अनजान व्यक्ति से लेन देन ना करें, नुकसान हो सकता है, बिजनेस पर असर पड़ेगा, खर्चा भी बढ़ सकता है। हेल्थ, आपको या परिवार के किसी सदस्य को कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, मीन शुरुआती दिनों में खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान दिया जाए तो पैसों की समस्या खत्म भी हो जाएगी, छोटी यात्रा हो सकती है, पुरानी कोशिशों का फायदा आपको इन दिनों में मिल जाएगा, आपका बिजनेस भी इन दिनों में बढ़ सकता है, करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है, आप करियर संबंधी सही फैसले लेने में भी सफल हो सकते हैं, नई तकनीक अपनाएंगे या तकनीकी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, पुरानी समस्याएं निपटा लेंगे, बिजनेस में नए लोगों से कांटेक्ट हो सकता है, उनसे फायदा भी होगा, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, गुस्से पर कंट्रोल करें। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको धन लाभ हो जाएगा, इन दिनों में जॉब या बिजनेस में कोई नई शुरुआत भी होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा, जीवन साथी से प्यार रहेगा, प्रेम प्रसंग के लिए यह समय ठीक है। करियर मेडिकल के विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन हो सकती है, टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, नए लोगों से बिजनेस में फायदा हो सकता है, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। हेल्थ, पुराने रोगों से इस सप्ताह छुटकारा मिल सकता है, खान पान पर ध्यान रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा, कोई मौसमी बीमारी हो सकती है। Thank you.